जय जिनेंद्र। मित्रों, एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप देखेंगे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान दादा का साक्षात चमत्कार। मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में जय शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा अवश्य लिखिए। गुजरात के सूरत का रहने वाला एक धार्मिक परिवार दो दिन पहले अपनी कार से श्री शंखेश्वर जी आता है। यह लोग दो दिन शंखेश्वर जी तीर्थ में रुककर पार्श्वनाथ प्रभु की सेवा, पूजा, प्रक्षाल आदि भक्ति भाव से करते हैं। यहाँ विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री अजित यश सूरीश्वर जी महाराजा एवं पूज्य भाई महाराज श्री संस्कार यश सूरीश्वर जी महाराज साहब की निशा में दो दिनों तक खूब धर्म भक्ति करते हैं। दो दिनों के बाद परिवार के चारों सदस्य पुनः अपनी कार से सूरत की ओर निकलते हैं। रास्ते में प्रभु की भक्ति करते हुए कार में चल रहे थे, तभी वडोदरा के निकट दुमार चौकड़ी पर देर रात को आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे कार ने भी ब्रेक लगाया। इसी बीच पीछे से आ रहा ट्रक भी कार से भिड़ गया। आगे और पीछे दोनों ओर से लगी भयंकर टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों ट्रकों के बीच फंसी हुई कार को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि इस कार के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचा होगा, किंतु शंखेश्वर दादा में श्रद्धा और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, इस दुर्घटना का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन चारों लोगों को कार से निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत की, उसके बाद इन्हें निकाला गया, क्योंकि दो ट्रकों के बीच फंसकर कार का कचूमर बन गया था। जब चारों लोगों को बाहर निकाला तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। जहां एक और कार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसमें सवार कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा, वहीं चमत्कारी रूप से यह चारों हमारे शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के भक्त पूरी तरह से सही और सुरक्षित थे। इतनी भयानक दुर्घटना में भी इन्हें मात्र सामान्य चोट ही आई। यह सब देखकर लोग भी कहने लगे कि आपने जो प्रभु और गुरुदेव की भक्ति की है उसी कारण से आप इस भयानक दुर्घटना में भी सुरक्षित हो। मित्रों, देखा आपने हमारे शंखेश्वर दादा का साक्षात अद्भुत चमत्कार। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान दादा की जय जयकार।